भाजपा सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर पत्रकार वार्ता संपन्न। खबर श्योपुर से आ रही है। प्रदेश के विकास को बीते 3 वर्षों में पुनः गति मिली है। बीच के कालखंड में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के आने से अवरुद्ध हुई विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं व कार्यों को पुनः भाजपा की शिवराज सरकार द्वारा तेजी से क्रियान्वयन किया जा रहा है। और यही नहीं, जाट ने पत्रकार वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा सरकार के चौथे कार्यकाल के बीते 3 वर्ष महत्वपूर्ण रहे हैं। 2003 से पहले समूचा मध्य प्रदेश बीमारू राज्य में शामिल था। भाजपा सरकार ने किसान, गरीब, कर्मजोर वर्ग के कल्याण के अनेक योजनाएं क्रियान्वित की है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। वर्तमान में 44,50,000 से अधिक का लाडली लक्ष्मी परिवार बन गया है। लाडली लक्ष्मी 2 योजना प्रारंभ की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी और समापन समारोह को राष्ट्रपति महोदय ने अपने कर कमलों से सुशोभित किया है। आज हम सब इस बात के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस की निरंतरता में आयोजित हुई 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट वो हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई है और उसमें 15,000 करोड़ से अधिक के हमको कई सारे विदेश के उद्योगपतियों ने हमारे यहाँ निवेश करने का प्रस्ताव रखा है। रिकॉर्डेड 15,42,514 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव पास हुआ है। इनमें 29 लाख से अधिक रोजगार के अवसर हमारे यहाँ के लोगों को मिलने वाले हैं। G20 बैठकों का आयोजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार अभी G20 देश समूह की अध्यक्षता का अवसर हमारे देश के प्रधानमंत्री को मिला है, मतलब ये जो G20